अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ प्लेट ऑफ लेंथ लैम्डा एंड विड्थ डब्ल्यू एंड सेपरेशन ऑफ प्लेट इज डी। इट इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ वी। तो देखो आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका लेंथ लैम्डा दिया है, विड्थ डब्ल्यू दिया है, मतलब ऑब्वियसली इसका एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, एंड दोनों के बीच का सेपरेशन डी दिया है, एंड अंदर तो कुछ नहीं है, मतलब बाई डिफॉल्ट एयर मान के चलेंगे। इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी जिसका वोल्टेज है वी, ऑफ डायलैक्ट्रिक स्लैब ऑफ सेम थिकनेस डी, ऑफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू 4 इज बींग इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, एट वॉट लेंथ ऑफ द स्लैब इन साइड प्लेट्स विल बी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बी 2 टाइम्स द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड। ओके, तो उसने देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी निकालेंगे, तो उसके लिए कैपेसिटेंस लगेगा, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइड बाई डी। तो सी इज इक्वल टू ए, एरिया कितना है, लैम्डा इंटू विथ इंटू एप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू तो 1 है, डिवाइड बाई डी। तो जो इनिशियल एनर्जी आएगा, इनिशियल एनर्जी क्या है, हाफ सी वी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा हाफ लैम्डा डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट बाई डी वी का स्क्वेयर, ये आ गया इनिशियल एनर्जी। अभी बोला कि एट व्हाट लेंथ ऑफ द स्लैब इनसाइड प्लेट विल बी द एनर्जी स्टोर डबल्स। तो देखो क्या बोला है कि ये कैपेसिटर है आपका, पहले ऐसे दिया था, अभी इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, डायलैक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। अगेन थिकनेस तो आप, ये तो आपको क्या दिया, डी दिया, अभी हम लोग डायलैक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं। तो बोला गया कि अभी देखो डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो तुम लोग क्या होने वाला है, कैपेसिटी तो बढ़ने वाला है, कैपेसिटी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। तो बोला है कि एट व्हाट लेंथ इसका एनर्जी डबल हो जाएगा। तो लेट से ये जो डायलैक्ट्रिक मैंने इंसर्ट किया है वो कितने लेंथ पे इंसर्ट किया, एक्स पे, तो जो ऑब्वियस है नीचे क्या बचेगा, पार्ट सिर्फ एयर बचेगा जिसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 1 है, मतलब ये वाला जो लेंथ है इसका क्या बनेगा, लैम्डा माइनस एक्स। तो यहाँ पर बेसिकली दो कैपेसिटर है, लेट से इसका कैपेसिटी C1 है, इसका कैपेसिटी C2 है, तो यहाँ पर C1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, मतलब ए कितना है यहाँ पर, लैम्डा इंटू एक्स, राइट। नहीं, एक मिनट, लैम्डा इंटू एक्स कैसे है, एक्स इंटू डब्ल्यू आएगा, एक्स इंटू डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या रही है आपको, 4 डिवाइडेड बाई थिकनेस तो डी है, एंड जो C2 है वो क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 1 एयर का डिवाइड बाई डी। तो अभी इसका एनर्जी क्या आएगा, देखो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ जो ऊपर वाला कैपेसिटर है उसका एनर्जी। हालांकि ये दोनों कैपेसिटर अभी यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, C1 V² + ½ C2 V² राइट। तो ये आ जाएगा हाफ C1 कितना, एक्स डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट 4 ÷ dV² + ½ C2 क्या है, लैम्डा माइनस एक्स डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई dV². ओके, ये आपका फाइनल एनर्जी है। तो अभी उसने बोला है कि फाइनल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी, तो ये क्या आ जाएगा फिर, अभी यहाँ पर फाइनल एनर्जी कितना, देखो हाफ एक्स डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट 4 ÷ dV² + ½ लैम्डा माइनस एक्स डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट बाई डी वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हाफ लैम्डा ओमेगा ओवर डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट बाई डी वी स्क्वेयर। तो क्या क्या कैंसिल होगा, देखो वी स्क्वेयर वी स्क्वेयर वी स्क्वेयर, 1/2 1/2 1/2 चला गया, डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट बाई डी डब्ल्यू एप्सिलॉन बाई डी डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट बाई डी चला गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4x, यहाँ पर क्या बचेगा, लैम्डा माइनस एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 लैम्डा, राइट। ओके, तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब 3x इज इक्वल टू लैम्डा, इसका मीनिंग है एक्स का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा बाई 3। तो जब एक्स का वैल्यू लैम्डा बाई 3 होगा उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट।